अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं अपनी इस न्यू वीडियो में जनाब दो सालन बनाऊंगी। एक तो जो है मैंने बनाना है आलू और चिकन, और दूसरा बनाऊंगी मैं आलू और शलजम। कल क्योंकि संडे है इसलिए मैं एक दिन पहले दो सालन बना लेती हूँ, ताकि जो है ना दूसरे दिन मैं अपने और एक्स्ट्रा काम वगैरह जो होते हैं, घर की सफाई के कपड़े वगैरह इस्त्री करने होते हैं, तो वो काम निपटा लेती हूँ। ये मैंने प्याज और टमाटर के अंदर जो है चिकन डाल के उसको भूनने के लिए ठहरा दिया, और साथ ही मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो दोनों सालन के अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और चिकन की जो थोड़ी सी नागवार सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और बड़ा मज़े का बनता है। तो थोड़ा सा इस चिकन वाले सालन में और थोड़ा सा मैं उसको जो है ना शलजम और चिकन वाले सालन में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको अच्छे से भून लूंगी, जिसमें मैंने चिकन डालना है वो शलजम डालनी है। तो चिकन को अच्छी तरह से भून के उसके अंदर मैंने नमक मिर्च और वो हल्दी जैसे नॉर्मल हर सालन में डालते हैं एक एक चम्मच डाल देनी है, या हस्बे जायका जैसे हो, आप लोगों को पसंद हो आप उस तरह से डाल सकते हैं। तो मैं तो ज़रा कम मिर्च यूज़ करती हूँ, मतलब आधे चम्मच जितनी ही बस इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो चिकन को भून के अच्छी तरह से इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई शलजम ऐड करनी है, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने प्रेशर दे देना है, क्योंकि शलजम को जितनी देर भूनते रहें तो वो इतनी जल्दी आसानी से गलती नहीं है जब तक उसको थोड़ा सा प्रेशर ना दिया जाए, उसमें बड़ी जल्दी गल जाती है। इसमें मैंने शलजम बारीक काट के डाल दी और थोड़ा सा भून के ना मैं इसको तो प्रेशर दे दूँगी पानी थोड़ा सा डाल के, तो बड़ा अच्छा सा वो सालन रेडी हो जाएगा। इसको बस मैंने एक दो मिनट के लिए भुना है, और अब इसमें पानी डालकर मैं इसको प्रेशर दे दूंगी 5 मिनट के लिए तकरीबन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन को हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, वो तो इतना गल जाएगा कि उसकी हड्डियां अलग और चिकन अलग हो जाएगा। तो 5 मिनट का प्रेशर दिया तो बड़ा अच्छा मज़े का बन जाएगा। और इधर से दूसरा सालन जो है इसमें मैंने जो है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक मिर्च और हल्दी डाली है चिकन में, और टमाटर प्याज को बस भून के थोड़ी सी अदरक भी ऐड की है। अच्छे से इसको भून के बस इसमें मैं आलू डालूंगी, और मज़े का आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, मेरा मसाला रेडी हो चुका है। बस इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है थोड़ी सी देर, और इसमें फिर मैं आलू डाल के भूनूंगी इसको थोड़ी सी देर के लिए। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बस हर वक्त का नज़ला और ज़ुकाम है पड़ा। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर आलू भी डाल दिए और इसको भून रही हूँ मैं थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि जब तक आलू भी गल जाएं और चिकन भी थोड़ा सा पक के रेडी हो जाए। वैसे तो वो भूनने में ही रेडी हो गया काफ़ी ज़्यादा। एक या दो कप इसमें मैंने पानी डालना है, और इसको बस इसका ढक्कन लगा के इसको मैंने जो है ना 5-10 मिनट के लिए दम दे देना है हल्की आंच के ऊपर। और इधर से मेरा ये दूसरा सालन भी रेडी है, इसको प्रेशर आ चुका है, इसको खोल के मैं चेक करूँगी और देखूँगी कि ये बन गया कि नहीं बना। अगर पानी इसका थोड़ा होगा तो फिर मैं इसको भूनने के लिए ठहरा दूँगी, इसका पानी खुश करूँगी, और इसको मैंने घी में उतारना है फुल, ये ड्राई हो जाएगा भून के बिल्कुल। ये देखें अब बिल्कुल ये रेडी होता जा रहा है, इसको मैं भून रही हूँ फुल। इसको मैं जो है ना काफ़ी देर जो है ना तेज़ आंच के ऊपर मैंने इसको भूना है, और फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त है, मेरे हस्बैंड को शलजम और चिकन तो बहुत ही पसंद है, ये हमारे घर हफ्ते में एक बार तो लाजमी बन जाता है। कभी मैं खाली शलजम भी बना लेती हूँ सब्ज़ी शलजम की, और ये ठंडी सब्ज़ी है और बड़ी अच्छी बनती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। चिकन के साथ या मटन के साथ या किसी और चीज़ में शलजम डालें तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है उसका, जायके वाला। ये देखें जी, खाना रेडी हो गया, मैंने इसको बिल्कुल भून लिया, आयल के अंदर निकाला है। अब इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको गार्निश करके दिखाती हूँ,
और साथ में वो मेरा आलू चिकन वाला सालन भी रेडी है, उसको भी मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें जी, इसके ऊपर भी मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डालूँगी, देखने में भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बड़ी मज़े की है, इजी है और जल्दी बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।